हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रैंक कंडीशन और ऑर्डर कंडीशन से संबंधित आइडेंटिफिकेशन के एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है, एग्जामिन द आइडेंटिफिकेशन स्टेज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द मॉडल यूजिंग ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। ये हमारा मॉडल है, दिस इज सी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन वाई डी प्लस म्यू वन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आई इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन आर प्लस बी टू वाई टी माइनस वन प्लस म्यू टू। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दीज टू वाई डी एंड टी, दीज टू आर द कंसेप्चुअल टर्म्स। वाई डी इज मेड ऑफ वाई माइनस टी एंड टी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज टैक्स रेट, टैक्स इज द फिक्स अमाउंट। And y is the identity equation. This is y is sum total of c, i and g. This is the third equation. यहाँ पर c, i और y, these are the endogenous variables, and t are y t minus 1 and g, these are exogenous variable. Now the first step is we correct the c equation by rearranging it. Like instead of yd we write y minus t. C is equal to a0 plus a1 y minus t plus mu1. This can be written as C is equal to a0 plus a1 y minus a1 t plus mu1. यहाँ हम rank condition से check करेंगे कि whether first equation is identified or not. For this, we arrange all the three equations in a systematic manner. This is shift all the variables in the left hand side, keeping the error term in the right hand side. इस तरह से हम तीनों equations को arrange कर लेंगे. And for the simplicity, we assume या we drop a0 and b0, these are the intercept term. Now we make the coefficient matrix. हमारे पास total 7 variables हैं, c, y, t, i, r, y, t minus 1 and g. जो variable, जिन variable के coefficients equation में नहीं हैं, उनके coefficient की value को हम 0 assign करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास c, y और t, ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट c का कोफिशिएंट 1, a का माइनस 1 और t का प्लस 1. बाकी चार वेरिएबल इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है, तो इनके कोफिशिएंट 0 रहेंगे. इसी तरह सेकंड इक्वेशन में i, r और yt माइनस 1, दीज थ्री आर द वेरिएबल्स, इनके कोफिशिएंट होंगे i का 1, आर का माइनस बी वन और वाई टी माइनस वन का माइनस बी टू. थर्ड इक्वेशन में वाई, सी, आई, जी, ये चार वेरिएबल हैं, तो उनके कोफिशेंट होंगे सी का माइनस वन, वाई का प्लस वन, आई का माइनस वन और जी का माइनस वन. बाकी जितने भी वेरिएबल उस इक्वेशन में नहीं हैं, उनके कोफिशेंट जीरो रखे जाएंगे. अब फर्स्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते समय फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को हम हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं, और जो इनके वेरिएबल्स इस इक्वेशन का पार्ट थे उनको भी हम वर्टिकली स्ट्राइक आउट कर देते हैं. बाकी हमारे पास यहाँ इक्वेशन में आई, आर, वाई टी माइनस वन और जी, दीज फोर आर द वेरिएबल्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. तो हम जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं. ये हमारे पास 1 माइनस बी वन माइनस बी टू, 0 माइनस 1, 0, 0 माइनस 1, इनकी हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई. अब अकॉर्डिंग टू द रैंक कंडीशन जी माइनस 1 ऑर्डर के हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे. उनमें किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम ये मानते हैं कि दैट इक्वेशन इज़
आइडेंटिफाइड। यहाँ हम चेक करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं 1 -b1 -1 और 0 का, या हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -b1 मिलती है। और हम जानते हैं फ्रॉम द थ्योरी दैट b1 कैन नॉट बी 0, तो इससे ये प्रूव होता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। इट इम्प्लाइज दैट दिस इक्वेशन नंबर 1 इज आइडेंटिफाइड। इसी इक्वेशन को हम ऑर्डर कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं कि वेदर द इक्वेशन नंबर 1 इज आइडेंटिफाइड और नॉट अंडर द ऑर्डर कंडीशन। तो हमारे पास कंडीशन का रूल है k-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू g-1। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर होती है, इसका मीनिंग होता है कि इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड। यदि ए इक्वल टू दोनों साइड इक्वल होती है, इट मींस इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। और यदि लेफ्ट साइड इज लेस देन राइट साइड होती है, तो इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड होती है। इस केस में हम उस इक्वेशन को मॉडल का पार्ट नहीं मानते। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि k क्या है, m क्या है और g क्या है। k स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बी इट एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, विच आर द पार्ट ऑफ द मॉडल। यहाँ हम जानते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, c, i, y, t, r, y, t-1 एंड g। तो k की वैल्यू 7 होगी। g स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इक्वेशंस इन द मॉडल। हमने देखा है इस इक्वेशन इस मॉडल में 3 इक्वेशन हैं, तो g की वैल्यू 3 होगी। m क्या होता है, m का मतलब होता है कि जो भी हम इक्वेशन को जिस भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एंडोजीनियस हो या एक्सोजीनियस हो। हम फर्स्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स। या हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हमारे पास टोटल एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल्स मिलाकर 3 वेरिएबल हैं, सी, वाई और टी। तो यहाँ एम की वैल्यू 3 होगी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल के माइनस एम यानी 7 -3 और g-1 यानी 3-1। यह हम देखते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है। तो हमने ये देखा कि रैंक कंडीशन से जहां हमने पाया कि इक्वेशन आइडेंटिफाई ही होती है, ऑर्डर कंडीशन स्टेट्स दैट द इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड और ओवर आइडेंटिफाइड। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि ये इक्वेशन आइडेंटिफाई होती है एंड दिस इज ओवर आइडेंटिफाइड। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल या कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे।